डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टारगेट करने हैं अपने स्टेट के एई और जेई के एग्जाम्स। कुछ स्टेट में एक वैकेंसी आई हुई होंगी, किसी में आने वाली होंगी। स्टेट के एग्जाम को क्रैक करना एसएससी जेई के कंपेरेटिवली इजी रहता है थोड़ा, बट यहाँ पर अगर आपका एग्जाम सीबीटी मोड पे है या ऑफलाइन मोड पे है, ये काफी ज्यादा अफेक्ट करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। अगर आपके स्टेट के एई और जेई के एग्जाम सीबीटी मोड पे हो रहे हैं, तो जैसे आपने एसएससी जेई प्री के लिए प्रिपेयर किया, उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा बहुत उसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ या इजी हो सकता है, बट अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर अभी भी ओएमआर बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड पे एग्जाम हो रहा है, तो आपको काफी डिफरेंट अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम है उनका पैटर्न अलग होता है सीबीटी से। काफी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे गुप्ता एंड गुप्ता, आर अगोर, या काफी स्टेट के एग्जाम्स में ईएस के पीवाईक्यू से भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जेकेपीएससी के ए में आपको काफी ज्यादा ईएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। राजस्थान में डिग्री का जो जेई का पेपर है उसमें आपको ईएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। गुप्ता एंड गुप्ता तो एवरग्रीन बुक है ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। हर एक स्टेट के एग्जाम में आपको 22-30 से लेके 50% तक गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इवन पिछले दिनों ओपीएससी के कुछ कुछ पेपर मैंने एनालाइज किए, उनमें 60-70% या इससे भी ज्यादा गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस हैं, वो एज इट इज हैं। तो ओएमआर बेस्ड के एग्जाम के लिए आपको क्या चेंजेस करने अपनी स्ट्रेटेजी में, एसएससी जेई प्री के लिए कर रहे थे उसके क्या एक्स्ट्रा करना है। सबसे पहले तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि कंसेप्ट तो सेम है, तो फिर हमें क्वेश्चंस पे इतना फोकस करने की जरूरत क्यों है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें आपको कंसेप्ट पे अच्छी कमांड है, आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। आपने ईएस के पीवाई क्यूज किए हैं, एसएससी जेई के किए हैं, कहीं और से किए हैं, वो क्वेश्चंस कॉमन है, वो सारे स्टूडेंट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सुपर एलिवेशन रिवर्स कर्व, जिसको पता है वो क्वेश्चन कर लेगा। ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से जिसने समझ के कॉम्पेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है वो बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन कर लेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपने अच्छे से ब्रिक का पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, जो बिल्डिंग मटेरियल का ब्रिक आपने अच्छे से उसमें कवर किया हुआ है, सिलिका एलुमिना सबका कंपोजिशन याद किया हुआ है अच्छे से, बट क्ले एंड सिल्ट का कितना परसेंटेज मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, या आंसर 99% स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट कर देते हैं क्योंकि ये आरगोर का क्वेश्चन है और उन्होंने वहां से एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं। ऐसे क्वेश्चन है वो काफी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया ओएसएससी जेई की प्री एग्जाम में, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये काफी ओ एम आर बेस्ड एग्जाम्स में रिपीट होता है। एस के गर्व में एक टेबल दी गई है कि इतना डाया है तो मिनिमम इतना स्लोप रिक्वायर्ड होगा सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी के लिए। अब एस के गर्व में तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डेटा दिया गया है, आप सारा याद नहीं कर सकते, तो इसलिए जो जो क्वेश्चंस इन बुक्स में अवेलेबल हैं, आप वो डेटा आइडेंटिफाई करके उसको याद कर लोगे तो काफी इजी रहेगा। जैसे ये ओ एस एस सी जेई की री एग्जाम में पूछा गया है, देन ये वाला क्वेश्चन, कोई एस एस सी जेई का टॉपर हो या ईएस का भी टॉपर हो, वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता जब तक सेम क्वेश्चन उसने पहले देखा नहीं है, और सेम क्वेश्चन उसी ने देखा होगा जिसने आरगोर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देना कितना सही है कितना गलत, वो एक अलग टॉपिक है। मुझे भी नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चंस देना जस्टिफाइड है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। एसएससी जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है वो सबके लिए नए होते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इन बुक से प्रैक्टिस करके आते हैं उनको ये क्वेश्चन नए नहीं होते हैं, वो इन क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और वो काफी आगे निकल जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है कि 4-5 भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं तो कितना मेजर डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक आपको दिखाती हूँ स्कोर शीट, जेके एस एस बी जेई की ये स्कोर शीट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 100 मार्क्स पे अराउंड 15 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर दो नंबर भी आपके कम ज्यादा हो रहे हैं, इतने में आपके रैंक का वो 50-60 पीछे चली जाती है। काफी सारे स्टेट्स में वैकेंसी इतनी होती है, यानी सिर्फ दो नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन
जो टॉप पे जो कैंडिडेट है और आप में 2 नंबर का डिफरेंस है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वैकेंसी का, और आपकी लाइफ के 2 to 3 years ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। आप 2 से 3 साल अपनी लाइफ में पीछे चले जाएंगे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चंस और हम डिस्कस करते हैं जो कि कंसेप्चुअल नहीं है, जैसे कि UKPSC का मैंने काफी इन डेप्थ एनालिसिस किया है, मैंने गाइड किया है स्टूडेंट्स को। पैटर्न उनका क्या था कि आरागोर के क्वेश्चंस आएंगे, गुप्ता एंड गुप्ता के आएंगे, और एस के गर्ग की इरिगेशन की जो बुक है उसके एंड चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ उनके खुद के क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं वो डिप्लोमा एग्जाम जो होता है AICT वाला उसके क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, वो इस बार भी हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न मॉडिफाई कर दिया। पहले ए का पेपर हुआ, उन्होंने उसमें कुछ ये इरिगेशन इंजीनियरिंग बाय एस के शर्मा की बुक के जो एंड में चैप्टर के क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें से क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में डाले। उसके बाद UKPSC जेई का पेपर हुआ, उसमें वो क्वेश्चंस का नंबर और भी बढ़ गया। तो 2 चीजें यहाँ पे पता चलती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चंस देखिए एक बार। ये क्वेश्चन है, ट्रिवियल शुड नॉट बी नियर देन दिस मीटर फ्रॉम अनलाइंड कैनाल। तो कोई कॉन्सेप्ट पे बेस पे इसका कोई आंसर नहीं कर सकता है, स्टूडेंट्स ही नहीं फैकल्टी भी नहीं कर सकते। बस बुक में एक गाइडलाइन रफली दी गई है, ऑथर ने लिख दिया है कि भाई इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब उसका कोई आप कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते, और कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते आप एग्जाम में आंसर नहीं कर सकते जब तक आपने वो डेटा याद नहीं किया है। डेटा याद नहीं किया है तब तक नहीं करोगे जब तक ये सेम क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया है, क्योंकि ऐसे तो बुक में कितना डेटा दिया है सारा कोई याद नहीं रख सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, अब जैसे फिर से अगर UKPSC में एग्जाम होगा, मुझे लग रहा है 80-90% चांसेस हैं कि इन बुक से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एडवांस हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो उन क्वेश्चंस को करके चले जाएंगे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। और बहुत ही ज्यादा अगर मेजर स्कोर में डिफरेंस नहीं भी आ रहा है, 3-4 नंबर का भी आ रहा है, तो भी बहुत मैटर करता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। इसके बाद ये भी सेम वो जेके एस एस बी जेई का ही रिजल्ट है किसी दूसरी पोस्ट का। जेई के डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो एग्जाम हुए हैं, यहाँ पर देखिए आप 102 नंबर पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सेम यही आगे हो रहा है, टॉप जितने मार्क्स हैं और मिनिमम जितने मार्क्स हैं इनके बीच में इसी तरीके से हर एक नंबर पे आपको 10 से 15 स्टूडेंट्स मिलेंगे। 100 अगर कट ऑफ है तो 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100 आ रहे हैं। अब आपके 99.98 भी आ रहे हैं तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसने गुप्ता एंड गुप्ता किया वो ही करेगा या एस एस जे वाला नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 50-60% होंगे, इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, कंसेप्चुअल वाले वो सारे कर लेंगे। जो एस एस जे वाला PYQs करके आया वो भी कर लेगा, जो गुप्ता एंड गुप्ता करके आया वो भी कर लेगा। बट 4-5 ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे जो कि गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से, आरगोर की बुक से, वैल्यूज वाले क्वेश्चंस, रैंडम डेटा वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वहां पे फिर आप पिछड़ जाओगे उन स्टूडेंट्स से जो कि प्रॉपर अपना पेपर को एनालाइज करके उससे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब काफी सारे स्टेट के PYQs पर मैंने काम किया हुआ है, जैसे मैंने बताया UKPSC पे मैंने किया है, राजस्थान जेई पे किया है। आप अगर इन स्टेट्स के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपके स्टेट में OMR बेस्ड एग्जाम हो रहा है, आप टेलीग्राम में मेरे से कनेक्ट करके मुझे वो भेज सकते हो जो आपका क्वेश्चन पेपर है, और मैं उसको एनालाइज करके आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको क्या क्या कंटेंट रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप क्या फाइनल कंटेंट रखते हो अपने एग्जाम के लिए वो बहुत क्रूशियल है। एक तो कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी आप ESC के PYQs भी कर लो, SSC JEE के भी कर लो, गुप्ता एंड गुप्ता भी कर लो, आरगो भी कर लो। नो डाउट SSC JEE के करोगे तो आप कुछ ना कुछ लर्न ही करोगे वहां से, लेकिन कंटेंट को भी लिमिटेड रखना है। अब क्या रियल में ऐसा होता है कि 2-4 नंबर से स्टूडेंट्स इसलिए पीछे रह जाएं कि उन्होंने जो कंटेंट फाइनलाइज किया वो ठीक नहीं था? तो इसका मैं प्रूफ दिखाती हूँ आपको, मेरे कुछ स्टूडेंट से चैट हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है, ये कह रहा है कि इसके 89 मार्क्स थे और 97 कट ऑफ थी, 7-8 नंबर का डिफरेंस है, मेजर गैप है, बट यहाँ पर इसने प्रिपेयर करने के लिए क्या किया, SSC JEE के PYQs करिए। SSC JEE के PYQs यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है क्योंकि राजस्थान जेई का जो पैटर्न है वो काफी डिफरेंट है। SSC JEE के प्री से हाई लेवल के थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स में काफी डिफरेंस रहता है। आजकल SSC JEE में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें कैलकुलेशन का रोल उन्होंने मिनिमम कर दिया है,
वहाँ पे कोई आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिक की या इस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं पे आप राजस्थान जेईई का अगर पेपर देखोगे तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, टाइम का लिमिट है, तो वहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस में अलग से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होंगी, कहीं पर अप्रोक्सीमेशन करना होगा, कहीं पर क्वेश्चन देखते आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन कैलकुलेटर के बिना नहीं हो सकता और उसको क्विकली छोड़ के आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें आप SSC JEE के PYQs में नहीं सीख पाओगे। इसी के साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आपके लिए नए हैं और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले देखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं जो कि आपने पहले देखे हैं तो उसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स बेनिफिशियल रहता है उनके लिए जो कि सही कंटेंट चूज करते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसके उड़ीसा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था OSSC जेई के लिए और कट ऑफ से 0.5 मार्क्स कम रह गया और इसने प्रिपेयर क्या किया इसके लिए, इसने फ्रेंड ने बोला है कि यूथ का करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगी, यूथ नो डाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बहुत टॉप पे है, वो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, बट आप कितना कर सकते हो, आप उतना सारा नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप OMR बेस्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो, यूथ में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे ऑनलाइन एग्जाम्स के मिलेंगे, वो आपके लिए उतने यूजफुल नहीं है। आपको एक्स्ट्रा अगर कंटेंट करना है OMR बेस्ड एग्जाम के लिए तो आप उन स्टेट्स के एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो जहां पर एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है। कुछ स्टेट्स के मैं अभी नाम भी बताऊंगी आपको जहां पे अभी भी ऑफलाइन मोड पे एग्जाम हो रहा है AE के JEE के, आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा SSC JEE से। दूसरा, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, रिवाइज भी किया, वो ये भी उड़ीसा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन इन्होंने PYQs करे SSC JEE के। अब यहाँ पर कट ऑफ से थोड़ा ही कम रहा है, यहाँ पे मैंने बताया कि कट ऑफ से थोड़ा ही कम था मेरा मार्क्स, मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन्होंने अगर SSC JEE की जगह आरागोर एंड गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए, सारे नहीं हो रहे हैं तो 80% भी दोनों बुक्स कवर करी होती तो बहुत अच्छे स्कोर से इनका सिलेक्शन होता। तो काफी बार आप पूरा एफर्ट भी डालते हो, मेहनत भी करते हो, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि बाकी लोग हैं उनकी स्ट्रेटेजी आपसे ज्यादा सही है और वो लीड ले लेते हैं। यहाँ पर अब काफी किसी को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं आरगोर इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी सारा कंटेंट कवर किया है इस बुक का, तो ऐसा नहीं है। जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, जैसे कि यहाँ पर ही उड़ीसा के एग्जाम का एक कैंडिडेट है उससे बात हो रही थी मेरी, तो उस टाइम तक डिसाइडेड नहीं था एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होगा कि ऑफलाइन, तो मैंने सजेस्ट किया था कि CBT के लिए आपको SSC JEE PYQs कर लेना चाहिए, बाकी स्टेट के जो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट हुए उनके PYQs कर लेना चाहिए और ऑफलाइन के लिए गुप्ता एंड गुप्ता आरगोर। तो अगर ऑनलाइन मोड है तो CBT ही सजेस्ट करूंगी मैं भी, SSC JEE एंड PYQs एंड गुप्ता एंड गुप्ता NFA। अगेन किसी स्टूडेंट्स का UKPSC JEE के लिए डाउट था जिसके UKPSC JEE में 60-70% क्वेश्चंस आपको आइदर एज इट इज और मॉडिफाइड मिल जाएंगे गुप्ता एंड गुप्ता एंड आरगोर से, तो ऐसे में SSC JEE के PYQs करना ऑब्वियसली बेनिफिशियल नहीं रहेगा उतना। अब कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें OMR बहुत बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, राजस्थान में अभी तक OMR बेस्ड हुए हैं सारे। त्रिपुरा के मैंने उतना इनडेप्थ एनालिसिस नहीं किया बट मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। आसाम के मैंने अभी काम करना स्टार्ट किया क्वेश्चन पेपर्स पे, इनके भी गुप्ता एंड आरगोर के ठीक ठाक परसेंट है, ऐसे नहीं होंगी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनसे आ रहे हैं बट इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक ठाक नंबर में। UK जो उत्तराखंड है वहां पर मैंने उनके AEJEE के PYQs हैं उनको स्टडी किया, स्ट्रेटेजी भी बनाई है, इवन मैंने स्ट्रेटेजी के बाद में मेरी स्ट्रेटेजी कितना इफेक्टिव रही इस पर भी वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया है विथ प्रूफ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। UP में अभी वैकेंसी आई है, एक पेपर मैंने देखा है बट अभी उसमें मैं कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि किस लेवल के किस बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उड़ीसा है, इसके लिए मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है, एग्जाम हुआ फिर एग्जाम किसी कारण से कैंसिल हुआ दोबारा से एग्जाम हुआ तो मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो बना था, काफी ज्यादा बेनिफिशियल था, काफी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए इस एग्जाम में, काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि ये जो अप्रोच आपने बताई वो हमारे लिए इफेक्टिव रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है कि SSC JEE के बाद में अपने स्टेट की प्रिपरेशन की तरफ टारगेट करते हैं तो
जो टीचर्स एसएससी जेई के लिए पढ़ा रहे हैं उन्हीं से इस चीज की एडवाइस लेते हैं। अब आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, एसएससी जेई के टीचर्स को आई डोंट थिंक इतना टाइम होता होगा कि वो हर एक इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं सबका पता हो या सबके क्वेश्चन पेपर को इनडेप्थ एनालिसिस करें, क्योंकि एसएससी जेई एक इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी लार्ज ऑडियंस है, उनकी डिमांड फुलफिल करना ही बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, तो वो आपके स्टेट्स के एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते। वो आपको एडवाइस करेंगे एसएससी जेई पीवाईक्यू का करेंगे या यूथ का करेंगे, ये मैंने कॉमन ट्रेंड देखा है, जो कि दोनों ही ओएमआर बेस्ड एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो आपको खुद अपना माइंड यूज करना है, अपने पीवाईक्यूज को लेना है, क्वेश्चंस देखने हैं किस लेवल के आ रहे हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं। मैंने जो भी सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं काफी स्टेट्स के लिए, मैंने विद प्रूफ दिया है, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये कर लेना चाहिए। मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन है ये इस बुक से पूछा गया है, ताकि स्टूडेंट्स को वो फेथ हो कि हाँ ये बुक्स हैं इनको फॉलो करना है, वो यूजफुल रहेगा। तो ये सारे चेंजेस अगर आप ओएमआर बेस्ड स्ट्रेटेजी में अपने करते हो तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज मार्क्स में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में मैं कहूंगी कि स्टेट की जो जॉब है वो सेंट्रल की जॉब से करना काफी सारे मायनों में इजी भी है, बेनिफिशियल भी है। तो एसएससी जेई में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर आप स्टेट की जॉब सिक्योर कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काफी सारे मैंने ऐसे भी देखा है कि जो एसएससी जेई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो अपने होम स्टेट में आना चाहते हैं। तो अभी भी कुछ लूज नहीं किया आपने, अभी भी अपॉर्चुनिटीज है आपके स्टेट में, या तो कोई वैकेंसी आई हुई होगी नहीं तो आने वाली होगी। आपको अभी से उसके टारगेट रखते हुए स्टडी करना है, कंटेंट डिसाइड करना है, जो भी कंटेंट हो उसको 3 to 4 times रिवाइज करना है। ये बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की कंटेंट इतना वास्ट कर लेते हैं कि फिर रिविजन नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन आपने देखा आपने नहीं हुआ आपसे, आपने उसको सॉल्यूशन देख के किया, दूसरी बार भी ये नहीं होगा बहुत कॉमन है, आप दूसरी बार फिर सॉल्यूशन देख के करोगे तो तीसरी बार शायद खुद से कर लोगे, लेकिन आप अगर एक एक बार करके ही छोड़ रहे हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप अपने एग्जाम का टारगेट करिए। मेरे से कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।